नमस्कार, आप सभी भक्तगण दर्शकों का चैनल मल्टीवर्सल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली घंटी का। शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक घर में एवं प्रत्येक मंदिर में एटलीस्ट एक घंटी अवश्य होनी चाहिए। जिस घर में या जिस मंदिर में घंटी नहीं होता है वहां देवताओं का वास नहीं होता है, नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए प्रत्येक घर में एक घंटी अवश्य होनी चाहिए। तो आज हम लोग विस्तृत चर्चा इस पे करेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि घंटी कितने प्रकार के होते हैं, घंटी की साइज क्या होनी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए, घंटी कब बजाना चाहिए, कब नहीं बजाना चाहिए, इन सारी बातों पे हम लोग विस्तृत जानकारी आज हासिल करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो एक पेपर और पेन डायरी कुछ लेके अवश्य बैठें, क्योंकि यह कोई मैं एंटरटेनमेंट पे वीडियो नहीं बनाता हूं। यदि आपको लगता है कि आपको घंटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या पूरी जानकारी एक जगह पे आपको समाहित मिलनी चाहिए, तो आप कृपया करके पेन और डायरी को ले लें और हम लोग इस वीडियो को महाराज गरुड़ जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनको नमन करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। घर में एवं मंदिरों में घंटी का क्या महत्व है, तो चलिए इस वीडियो को आपकी इजाजत से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि घंटी कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि घंटी चार प्रकार का होता है। पहली घंटी होती है गरुड़ घंटी, जिसमें हैंडल के ऊपर में गरुड़ जी की आकृति बनी होती है, जिसको हम घर में पूजा पर इस्तेमाल करते हैं, घर के मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं, घर में आरती दिखाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो घर में पूजा में इस्तेमाल होने वाली पहली घंटी है, जिसको हम गरुड़ घंटी कहते हैं। दूसरी घंटी जो होती है उसे कहते हैं द्वार घंटी। किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार पे वह ऊपर से लटका होता है, जिसे हम बजाते पहले सर्वप्रथम बजाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वह होती है द्वार घंटी। तीसरी होती है हाथ घंटी, पीतल की गोल सी होती है, उसे शाम को आरती के वक्त लकड़ी के एक तख्ते से हम बजाते हैं और नाद उत्पन्न होता है और आरती के समय हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं हम हाथ घंटी। और चौथी जो घंटी होती है उसको हम कहते हैं घंटा। वो बहुत बड़े आकार का होता है, 5 फुट 6 फुट 10 फुट का होता है और कुछ बड़े मंदिर के प्रांगण में वह लगा होता है, जिसे लोग पूजा करने के बाद एक बार जोर से बजाते हैं। तो हम लोग आज क्या जाने, हम लोगों ने पहले जाने की घंटी चार प्रकार की होती है, एक गरुड़ घंटी, दूसरी द्वार घंटी, तीसरी हाथ घंटी और चौथी घंटा। तो अब सवाल यह उठता है कि घंटी बजाते ही क्यों है। तो अगर पुराने शास्त्रों में ग्रंथों के में आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि घंटी बजाना एक्चुअली हम देवताओं का आह्वान करते हैं, हम देवताओं को बुलाते हैं घंटी बजा करके कि हम अब पूजा करने जा रहे हैं, या हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, या हम आपको नैवेद्य चढ़ाने जा रहे हैं, या हम आपको आरती करने जा रहे हैं, तो हे ईश्वर, हे हमारे इष्ट देव, आप हमारे घर हमारे मंदिर में पधारे, इसके लिए घंटी बजाई जानी चाहिए। जिस समय जिस घर में घंटी नहीं होती है या घंटी की नाद नहीं आवाज करती है या घंटी नहीं बजाई जाती है, वहां कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, दुख संकट कष्ट वो पूरे घर में फैल जाता है और आपसी कलह शुरू हो जाती है। तो हम घर में घंटी देवताओं के आह्वान के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हम बजाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हम घंटी खरीदने जा रहे हैं घर के लिए, घंटी जब मुझे परचेज करनी है, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम घंटी के साइज पे ध्यान दें
एक घंटी जो घर में उपयोग होने वाली है वह 3 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए और 5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यह हुआ बात साइज का। अब आती है बात धातु की, घंटी किस धातु का होना चाहिए। आप बाजार में देखेंगे तो आपको स्टील की घंटी मिल जाएगी, पीतल की घंटी मिल जाएगी, कांसे की घंटी मिल जाएगी, चांदी की घंटी मिल जाएगी, सोने की घंटी मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये आगाह कर दूं कि स्टील की घंटी कभी ना खरीदें। बाकी चारों धातु जो हमने कहा, कांसा, पीतल, सोना, चांदी, आप इसकी घंटी खरीद सकते हैं, पूजे में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु स्टील की घंटी कभी इस्तेमाल नहीं की जाती है पूजा में। कृपया कर स्टील की घंटी न खरीद के घर में लाएं। अब यह तय हो गया कि धातु तो, मगर फिर भी कांसे, पीतल, सोना, चांदी, इसमें से सबसे अच्छा नाद किसका होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कांसे की घंटी आप लेंगे तो उससे जो साउंड वाइब्रेशन निकलता है, जो उसकी नाद होती है, जो आवाज बाहर आती है, वह सबसे सटीक होता है। तो अगर हो सके तो घर में पूजा के लिए कांसे का घंटी ही इस्तेमाल करें। साइज तय हो गई, धातु तय हो गई। अब आप देखेंगे बाजार की घंटियों में क्या होता है कि बहुत सी घंटियां 2 पीस की होती है, नीचे अलग होती है और उसकी डंडी जो होती है उसमें किसी में लकड़ी लगा होता है पीस से, या किसी में उसका ही सेकेंड पार्ट होता है, पीतल और कांसे का ही होता है, बट वो यानी कि 2 पीस हो गए, नीचे वाली पोर्शन अलग हो गई, ऊपर वाली पोर्शन अलग हो गई और दोनों को पेंच से बंद करके घंटी तैयार है। कृपया कर इस घंटी को न खरीदें, इसे अपने घर में पूजा में न लाएं। जो घंटी होनी चाहिए वह पूरी सिंगल पीस होनी चाहिए, ऊपर से नीचे बीच में कहीं भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। 3 चीजें हम लोग जान लिए। अब चौथी चीजें हैं कि घंटी की जो डंडी होती है उसके ऊपर में आप देखेंगे बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार की वो डंडी के ऊपर में आकृति बनी मिलती है। कहीं नंदी जी बने होते हैं, कहीं लक्ष्मी जी बनी होती हैं, कहीं गरुड़ जी बने होते हैं, कहीं प्लेन होता है, समतल होता है, कुछ भी बना हुआ नहीं होता है, अच्छा सा ग्रिप बनाया हुआ होता है जो पकड़ के हम बजाते हैं घंटी को। तो घर में यदि भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता, आपने लक्ष्मी जी को भी बैठाया है, विष्णु जी को भी रखा हुआ है, आपने काली जी को भी रखा हुआ है, आपने शिव जी को भी रखा हुआ है, अलग अलग देवी देवताओं की को स्थापित करके यदि आपने घर में मंदिर बनाई हुई है तो आपको इस्तेमाल करने के लिए जो घंटी की आवश्यकता पड़ेगी वह होगी गरुड़ घंटी की। आप देखेंगे घंटी के सबसे ऊपर वाली आकृति में गरुड़ जी महाराज की आकृति खुदी हुई होगी। अब गरुड़ घंटी ही क्यों? आप जानते हैं गरुड़ जी महाराज जो हैं वो भगवान विष्णु जी के सवारी हैं। तो जब आकाश में गरुड़ जी के पीठ पे बैठ करके विष्णु जी जब विचरण करते हैं तो उनके पंखों से, गरुड़ जी के पंख से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें वेद के श्लोक होते हैं। अब आज की तारीख में पूजा में हमें वेद का, पुराण का श्लोक वगैरह तो याद है नहीं, सारे मंत्र हम जानते नहीं हैं, तो हमें घंटी के रूप में गरुड़ जी महाराज को ही हम घर में ले आते हैं और जब हम घंटी बजाते हैं जो उससे नाद उत्पन्न होती है वह वेदों की ध्वनि होती है और भगवान खुश होकर के हमारे मंदिर में आ जाते हैं। यह तो आप सारे ग्रंथों को पढ़ लें, सारे नियम कायदे, मंत्र उच्चारण और सारी चीजों की विधि आप जान लें, अगर हम उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम व्यस्तता के कारण, हम उतनी जानकारी मुझे नहीं है, तो बहुत साधारण सा तरीका है कि गरुड़ जी की आकृति वाला सिंगल पीस में कांसे की घंटी 3 इंच या 5 इंच के बीच के साइज की ले आके हम उसे घर में रखें और उसको जब बजाएंगे तो साक्षात भगवान विष्णु हमारे मंदिर में उपस्थित होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें घंटी कब बजानी है। जनरली हमने देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में आरती होती है या धूप बत्ती जब हम दिखाते हैं उस वक्त घंटी हम बजाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुबह से देखें, सबसे पहले जब आप अपने घर के मंदिर का पर्दा खोलते हैं, यानी कि भगवान को आप उठाते हैं, जगाते हैं, उस वक्त घंटी बजेगी।
दूसरी, जब आप पूजा करने के लिए आए और भगवान का स्नान करा रहे हैं, बगैर घंटी बजाए स्नान मत कराइए। तीसरी, जब आप दीपक जला रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, कोई आभूषण चढ़ा रहे हैं, घंटी अवश्य बजाइए। चौथी, जब आप आरती कर रहे हैं, शाम की संध्या कर रहे हैं, घंटी अवश्य बजाइए। और पांचवी बार, जब रात में आप उनको सुलाने जा रहे हैं, उनका प्रदाव आपको बंद करना है, तो घंटी बजा करके, उन्हें प्रणाम करके, उन्हें विश्राम सैया पे लिटा करके आप पर्दा बंद करें, उस वक्त भी घंटी आप बजा के ही इस काम को करें। तो ये पांच स्टेजेस हैं घंटी बजाने के। अगर ये पांचों स्टेज पे हम घंटी बजाते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई दो मत या ऐसी बातें नहीं है कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या वो हमारे मंदिर में उपस्थित नहीं होंगे, या वो हमारे यहां नहीं आएंगे। तो आज हमने जाना घंटी के साइज के बारे में, आज हमने जाना घंटी के धातु के बारे में, आज हमने जाना घंटी क्यों बजाते हैं, आज हमने जाना घंटी कब कब बजानी है। और सवाल ये उठता है कि घंटी हमें कब नहीं बजानी है। ये जो पांच समय मैंने बताया घंटी बजाने का, या पांच कारण जो बताया आपको घंटी बजाने का, इसके अलावा अनायास ही घंटी नहीं बजाते रहना चाहिए। यह कोई बच्चे के खेलने की चीज नहीं है। इसको आप यूं ही किसी भी चीज में ऐसी घंटी बजा करके प्रमोद के लिए आप इसका इस्तेमाल कृपया कर ना करें। तो यह थी घंटी के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए हो या कुछ आप और ज्यादा जानना चाहते हो, तो कृपया कर नीचे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर, जब कभी भी मैं आऊंगा चैनल पे लाइव, तो मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा। या कोई ऐसी और टॉपिक्स है जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, जो आपको एक जगह पे पूरी समाहित जानकारी नहीं मिल रही है, तो कृपया कर उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उस जानकारी के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.